सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरी ताकत से हम 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे और उन 70 विधानसभाओं के अंदर पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़के इस बार 2022 में प्रदेश में बदलाव जरूर लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ आप इस बात को समझ महसूस करेंगे कि आज चुनाव जो लड़ना है वो चुनाव लड़ना एक अपने आप में, जहां हमको एक अच्छे चेहरों की आवश्यकता होती है चुनाव लड़ने के लिए, जहां पर हमें अच्छे मुद्दों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हमारे पास जो एसेट्स हैं, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, ईमानदार राजनीति की हम दिल्ली से बात करते हैं, इसने दिल्ली की जनता ने 3 बार आशीर्वाद दिया है, अस्पताल और शिक्षा का बेहतरीन मॉडल, कई सारे प्रवासी बंधु आप सब लोग देख रहे हैं इस समय बाहर से एक तरीके से बड़े परेशान होकर के यहाँ आए, ये वो लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं अधिकतर, वो लोग जिन्होंने दिल्ली की व्यवस्थाओं को देखा है और हमें इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि हमारे जो अभी अगली रणनीति है इसकी शुरुआत इन प्रवासी बंधुओं से संपर्क करके उन्हें अपने साथ शामिल करने से होगी। इसके साथ साथ हम लोग बूथ वाइज, जैसे हमने बताया कि टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल करने जा रहे हैं और तकनीक की सहायता से इवन सोशल मीडिया पे हम बहुत पटिक पर काम करेंगे, बूथ लेवल पे नेटवर्क हम लोग बहुत पटिक पर काम करेंगे। दिल्ली नेतृत्व ने हमें आश्वासन दिया है कि समय पड़ने पर बड़ी बड़ी रैलियाँ उनके माध्यम से यहाँ पर की जाएंगी और ये सारी बातें करने के बाद मैं आज आप सबसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 1.5 साल में आप उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी के रूप में देखेंगे। मेरे साथ रोहित सिंह भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोहित सिंह जी देहरादून के हैं और ये हमारे PR जो एजेंसी है वो मैनेज कर रहे हैं, मेरे पास अपनी पूरी टीम है जो कि बकायदा उसमें सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स भी हैं, इवेंट मैनेजर्स भी हैं और ये अभी हमारे साथ प्रथम चरण में पूरे देहरादून